BCN BTP के चेयरमैन सिराज शेख के जन्मदिन के अवसर पर BCN BTP की ओर से क्रीड़ा स्क्वायर से तुकड़ोजी स्क्वायर तक जा रहे रास्ते के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया गया है, जिसके चलते शनिवार को क्रीड़ा स्क्वायर से तुकड़ोजी स्क्वायर तक जा रहे रास्ते पर लगी स्ट्रीट लाइट पर लगी LED लाइट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी, BCN BTP के मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान शेख और BCN और नागपुर मेट्रो समाचार के डायरेक्टर इमरान शेख समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सरकार के कई ऐसे विविध प्रोग्राम भी लिए गए हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको बता सकते हैं कि नागपुर शहर में यूं तो कई सड़कें हैं, लेकिन ये जो हाईमास जो लगाए गए हैं वहाँ पे भी कुछ रोशनी की गई है और थोड़ी देर के बाद में इसका उजाला भी होने वाला है। और जो कामकाज हुआ है उसका अगर सही मायने में किसी को क्रेडिट मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहा तो कोई हरकत नहीं, नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी जी इन्हें जाता है, उनके पूरे टीम को जाता है। जिस प्रकार से वे कामकाज कर रहे हैं अपने आप में एक है। पूरे भारतवर्ष में पूरे नागपुर शहर में 365 दिन यह महोत्सव मनाया जा रहा है और खुद इस समय में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नागपुर नगरी के प्रथम नागरिक दयाशंकर तिवारी। तिवारी साहब, ये बताए कि जिस प्रकार से आज पूरा विद्युत जो रोशनी की गई है, बहुत ज्यादा कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं एक प्रथम नागरिक होने के हैसियत से? देश की आजादी की यह 75वीं वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव है। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तो हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय का जो वातावरण रहा होगा उसकी हम संकल्पना भी नहीं करते। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रक्त से रक्ताभिषेक करके भारत माता को आज़ादी दिलाई। उन सभी परिवारों में जो जश्न का माहौल रहा होगा, जो खुशी रही होगी, उसके हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। हजारों लोगों ने भूमिगत होकर के, लाखों लोगों ने भूमिगत होकर के आंदोलन किए और लाखों करोड़ों की जनता में बर्बरता के साथ में अंग्रेजों ने अत्याचार किए, उसके बाद इस देश को आज़ादी मिली थी। अब हम वो पीढ़ी तो नहीं है, लेकिन आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमारी पीढ़ी ने मनाई है। कोरोना के प्रोटोकॉल होने के कारण सार्वजनिक रूप से बड़े आयोजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आज नागपुर शहर के 75 चौराहों पर नागपुर शहर की तरुणाई ने अलग अलग कार्यक्रम लेकर के उसे गौरवशाली बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। आज का जो दिन है यह वह दिन है जिस दिन हिंदुस्तान रात में 12 बजे आज़ाद हुआ था, लेकिन यह भी दुख की बात थी कि उसी दिन हिंदुस्तान के 2 टुकड़े भी हुए थे। तो 14 अगस्त को भारत अखंड था और 15 अगस्त को विभाजित भारत का स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया, लेकिन स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता होती है, हमने उसे अक्षुण्ण बनाए रखा और उस अक्षुण्ण बनाई गई स्वतंत्रता को और उत्साह के साथ मनाने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने, सरकारी संस्थाओं ने, सभी ने अपने परिसरों में रोशनी करी। महानगर पालिका ने भी सबके साथ मिलकर के शहर के 75 चौराहों पर और साथ ही साथ में 9 स्मारक पर, ऐसे 84 स्थान पर महानगर पालिका ने भी रोशनाई की है। सामाजिक संस्थाओं को जो जिम्मेदारी दी गई उसमें रायसोनी ग्रुप ने स्वेच्छा से झांसी की रानी के परिसर की रोशनाई की है, साथ ही साथ में हल्दीराम ग्रुप ने हमारे यहाँ जो अजनी चौक है जहाँ राजीव गांधी जी की प्रतिमा है और एक टैंक रखा हुआ है कारगिल विजय का, उस परिक्षेत्र की रोशनाई की है, और BCN के माध्यम से इस क्रीड़ा चौक से राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज चौक तक की रोशनाई की गई है। सभी सामाजिक संस्थाएं इस वर्ष भर के आयोजन में सहयोग देगी और इस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी रूप से मनाया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सभी नागपुर वासियों को और समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अनेक सामाजिक संकल्पों को पूर्ण करते हुए महानगर पालिका इस वर्ष को मनाएगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो आप थे नागपुर नगरी के महापौर दयाशंकर तिवारी जी, जिन्होंने बखूबेर बेपा के साथ बात करते हुए अमृत वर्ष किस प्रकार से मनाया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी। अब हम सीधा रुख करना चाहेंगे इस समय में, हमारे साथ में BTP के चेयरपर्सन और फैजान शेख सर है, उनसे बात करेंगे। फैजान जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से ये जो कामकाज हुआ है और जो BCN और BTP परिवार ने जो रोशनी में मनपा प्रशासन का साथ दिया है, कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, सबसे पहले तो मनपा को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि ये पहल उनके तरफ उनने जो चालू की है और उन्हें उनने जो हमें परमिशन दी है सब करने के लिए,
तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और 15 अगस्त के मौके पर ये जो हमने आज से जो रोशनाई की जो पहल चालू की है, तिरंगे का जो रोशनाई हमने कराया है, जो इस पे पहल जो चालू की है, तो ऐसे ही हम लोग हर साल कुछ ना कुछ 15 अगस्त के मौके पर और जो भी इवेंट्स के मौके पर हम लोग कराए जाएंगे, BCN के माध्यम से हमने कराया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत टीम को शुक्रिया बोलूँगा और BCN की तरफ से सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से आज शहर के जो चौराहे हैं और वहाँ पे जो जो डिवाइडर खास तौर पे है, कभी कभार लचर हालत थी, मगर आप लोगों ने जो वृक्षारोपण जो किया है, इससे शहर में कितने चार चांद लगे और कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और वृक्षारोपण सबने ही करना चाहिए। और मनपा को मैं वही कहना चाहूँगा कि और लोगों को सपोर्ट करिए और लोगों को आगे बढ़वाइए इस चीज़ में, इस पहल में करने के लिए, और हर जगह इस अपना पेड़ पौधों का और वृक्षारोपण का आयोजन होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके फरदान शेख जिन्होंने बखूबी रूप के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस प्रकार के सौंदर्यकरण का जो कामकाज हो रहा है, उसके लिए ये तमाम सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। इसी क्रम में BCN न्यूज चैनल और BTP टूर्स एंड ट्रैवल्स ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, मनपा प्रशासन के पूरा सहयोग कर रहा है, जिसके चलते सौंदर्यकरण के साथ साथ विद्युत रोशनाई हो और अन्य कामकाज के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अमृत जो वर्ष मनाया जो जा रहा है देश की आज़ादी का, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप तमाम दर्शकों को BCN परिवार और BTP परिवार की ओर से ढेर सारी मुबारकबाद। नागपुर के इस टुकड़े की पतला चौक से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।